हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप सभी लोगों का किंग रिसर्च में स्वागत करता हूं और थैंक यू सो मच गाइस। जो परसों वीडियो डाली थी, 8000 प्लस व्यूज दिए आप लोगों ने, उसके लिए ग्रैंड सल्यूट है बॉस। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कल की बात, आज जो हमने एक एपिसोड चालू किया था 1 मार्च से, आज है 7 अप्रैल 2020, राइट। जो एक महीने से ऊपर का हमारा ये एपिसोड हो गया है और किंग रिसर्च ईगल आई व्यू के साथ। तो जो हम लोगों ने 5 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था कि आज मंडे को क्या क्या होने वाला है मार्केट, सॉरी ट्यूजडे को आज क्या क्या होने वाला है मार्केट, किस तरह से चाल चलने वाली है, संडे को ही बना दिया था। उसका एक जरा रिकैप कर लेते हैं मेरे भाई, रिकैप प्रीवियस परफॉर्मेंस जो दिया था मैंने, यानी कि आज क्या हुआ। 5 तारीख को जो अपडेट दिया था, बजाज ऑटो बोला था कि नहीं बोला था, 2090 पे बाई करो, 2300 का हाई मार क्या, कितने पॉइंट होते हैं कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 रुपए का टारगेट, 2 रुपए का टारगेट, 5 रुपए टारगेट, 10 रुपए टारगेट, समथिंग कुकिंग बिग। किंग रिसर्च ईगल आई बोलता हूं मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए। सिप्ला की बात करता हूं, सोल्ड 465 मॉर्निंग में, खुलते ही बोला था ओपनिंग बेल पर ठोको, 465 से मेड अ लो, 452 पे हम लोगों ने कवर किया इन फर्स्ट 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट के अंदर कितना पॉइंट, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। खुद दिमाग लगाओ और कैलकुलेट करो। 2-3 स्टूपिड पर्सन थे जिनका काम है एसएल होने पे कमेंट करना, मेरे भाई एसएल नहीं हुआ है, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, अगर है तो लगाना, नहीं तो प्रॉपर फॉलो करो, कोई बात नहीं। आप लोग को थम्स अप है। एचयूएल की बात करूंगा, यस मिस टुडे, बट डू यू रिमेंबर 2356 आवर लक्ष्मण रेखा, 2356 ठुकवा रहा था, 2000 के लेवल पे ले आया, 356 पॉइंट गिरवा दिए, आज फिर थोड़ा सा रैली आई है एचयूएल। और ये स्टॉक सिलेक्शन एचयूएल में अभी आने वाले में कल के लिए क्या करना है उसका रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। लुपिन सोल्ड एट 681, बैड लक गाइस, स्टॉप लॉस इट, यस मेरे ट्रॉलर्स खुश तो बहुत होंगे तुम, 690 का, यानी कि मेरे भाई सिंपल सा आंसर है, अगर एंट्री मिलती है, आप लोगों ने एंट्री लिया, 1.5 से 2% का टाइट स्टॉप लॉस लगा दो, दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं। अगर ऐसा नहीं पता आपको, सर स्ट्रिक्टली फॉलो 1.5 से 2%। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, SRM स्ट्रेटेजी मेरा देख लेना तब ट्रेड करना, क्योंकि मेरा लॉस फिक्स है, हर ट्रेड में लॉस मेरा फिक्स होता है, बट जो प्रॉफिट होता है वो ओपन होता है, यानी कि एक सिंगल प्रॉफिट मेरा 10 लॉस के बराबर है, ये हमेशा याद रखना। निफ्टी याद है, कल अगर नहीं वीडियो देखा है अभी जाके तुरंत के तुरंत जाके चेक कर लेना मेरा वीडियो कल का क्या है। क्लियर कट निफ्टी, बैंक निफ्टी में बोला था नो सेलिंग एट ऑल, अब मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूं सेल करने के, बिल्कुल मूड में नहीं हूं। आपको मैं दिखा देता हूं, अगर विश्वास नहीं हो रहा है भाई देख लो निफ्टी फ्यूचर्स, यस क्लियरली वी टोल्ड एज ऑफ नाउ विल नॉट सेल एनीथिंग एट लोअर लेवल, माय क्रूशियल सपोर्ट जोन 8030, 7970 इस रेट पे आएगा, बाई करने का ही बोला था, नो सेलिंग एट ऑल, क्लियर कट बोला था। बैंक निफ्टी का देख लो, लास्ट 15 डेज से नॉन स्टॉप सिर्फ सेल का बात कर रहा था, नो बाइंग, नो बाइंग, नो बाइंग, और मैंने 5 तारीख को क्लियर कट बोला, अब मैं बैंक निफ्टी में भी सेल का नहीं सोच रहा हूं। थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे गैप डाउन खुलेगा और बाइंग करूंगा अपने लेवल्स पे जो गिवन लेवल्स है, बट क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली आज गैप अप और नॉन स्टॉप ऊपर। और आपको याद है ना मेरा निफ्टी का लेवल 8530 का, आ जाओ चलो वो तो हो गई पुरानी बात, जो प्रॉपर फॉलो करता है बोलता हूं बार बार मेरे लेवल्स ऐसा नहीं 1-2 दिन में खत्म होते हैं, ये सिर्फ वीकली 10-15 दिन तक मेरे लेवल्स चलते हैं। चलिए एपिसोड नंबर 20 में जो आज बात करेंगे कल की, यानी कि 8 अप्रैल में क्या क्या होने वाला है, किन स्टॉक्स पर नजर रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी 10% के ऊपर चला है, यस 10% प्लस अबव ऊपर चला है, और मैंने आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 बार ट्रेड कराया था लाइव मार्केट में, टेलीग्राम में कॉल दिया था। पहला ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हमारे सेल लेवल से 50 पॉइंट गिरा, लेकिन हमारा 50 पॉइंट नॉट इंटरेस्टेड भाई, आप लोग चिल्लाने लगते हो देखो 50 पॉइंट आया, दूसरी दुनिया चिल्लाने लगती है, लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया बॉस 40 पॉइंट का एसएल लो, 50 पॉइंट हम चढ़ावा देते हैं मार्केट के अंदर, एसएल गया नो प्रॉब्लम,
दोबारा ट्रेड कराया 56 रुपए का, फिर आफ्टरनून के बाद निफ्टी में मैंने ट्रेड कराया था, वो भी मेरा एसएल हो गया इंट्राडे। बॉस कितना गया, कितना गया, 80 से 100 रुपए चले गए निफ्टी में। कोई बात नहीं, 500 पॉइंट की निफ्टी में हम काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1000-1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमा रहे हैं, 100 रुपए निफ्टी में गया, क्या फर्क पड़ता है। अगेन बोल रहा हूं, एसएल से घबराने का नहीं, एसएल के लिए ही ट्रेड करने का। अब आपकी बत्ती जल रही है कि ये कैसा बात कर रहा है किंग रिसर्च सर, नो ज्ञानबाजी, मैं बार बार बोलता हूं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो आप लोगों को देता हूं, मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, हो सकता है मेरे क्लाइंट्स के पास भी पोजिशंस हो। भाई प्लीज गाइज, अभी भी बोल रहा हूं संभल जाओ, अभी भी बोल रहा हूं संभल जाओ, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट एवर डेयर टू ट्रेड इन दिस मार्केट, क्योंकि आपका वो एक दिन गलती का होगा सारा अकाउंट साफ कर देगा। आज बताओ कमेंट सेक्शन में, जितने लोगों ने ऐसा नहीं लगाया क्या हुआ होगा उनका। निफ्टी 10%, आप सोच रहे हो गिरेगी, मुझे भी नहीं पता था 10% चढ़ने के बाद दुनिया चिल्लाती है, मैं भी चिल्ला रहा हूं राइट, बट 8530 के लेवल मैंने ऊपर ही बोला था, मेरा टारगेट हमेशा 3:15 तक के लिए मैं ओपन छोड़ता हूं। रिजल्ट आपके सामने, जो लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं समझ में आ रहा होगा। आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना रहा हूं भाई, भगाने का नहीं, समझो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं तो वही बच्चों की तरह टेलीग्राम खेलो, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, व्हाट्सएप में खेलो कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, यूट्यूब आप खेल रहे हो आजकल बहुत ज्यादा, कभी इसको यूट्यूब में देख लिया, किसी ने एक बड़ा सा बढ़िया थंबनेल सा लगा दिया, टेम्पलेट में लिखा दिया निफ्टी देखो गिरावट आने वाली है, निफ्टी फिर से वैसा होगा, आप लोग भौचक्के होके देखते हो एकदम से। भाई कचरा भरना बंद करो, प्रॉपर जो ट्रेड दे रहा है उसको फॉलो करो, देखो क्यों दे रहा है, माइंड में कचरा भरोगे तो अच्छी चीज कहां से घुसेगी, समझ में आ रहा है। ठोको हैशटैग निफ्टी, आज का टैगलाइन है हैशटैग निफ्टी क्या 9000, क्या हैशटैग निफ्टी 9000 आज का टैगलाइन है, प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, जिससे कि मेरा मैसेज आपको मिल रहा है नहीं, मुझे समझ में आएगा। चलिए कम टू द पॉइंट, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ स्टॉक्स की। निफ्टी फ्यूचर्स यस बिलो 8830, यस बिलो 8830, इंट्राडे शार्प पैनिक अप टू 8747-8670, दोबारा बोल रहा हूं 8830 के नीचे इंट्राडे ठोको 8747-8670 के टारगेट्स के लिए, और बाय बिटवीन 8656-8620 बाय आ जाएगी, 8656 पे बाई में बैठेंगे, नो सेलिंग एट ऑल, 8656-8620 के आसपास बाई करने का सोचो विथ टाइट स्टॉप लॉस। अवर क्रूशियल सपोर्ट इज 8570-8530, 8530 को गांठ बांध के समझ लेना, अगर इसके नीचे आएगी तो ही सेल दूंगा, अदरवाइज बार बार मैं सिर्फ बाई करने का कोशिश करूंगा। बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, बात कर रहा हूं यस क्लियरली टोल्ड यस्टरडे आई विल नॉट सेल एनीथिंग, बोला था, रिजल्ट आपके सामने है, पैसा आपके सामने। चलो कल की बात करता हूं, बैंक निफ्टी ट्रेड बिलो 18970 ओनली ठोको विद स्टॉप लॉस 19256, गो शॉर्ट एंड पैनिक स्लाइड अप टू 18617-18356, और हो सकता है 18000 का भी लेवल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। यस इन बिटवीन मेरे भाई दिमाग लगाना, 18670-18356 और 18356 से 18000 का लेवल है, 18356 के आसपास आया 100 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आता है तो हम लोग बाई करने का सोचोगे, फ्रेश कुछ भी बाई सेल रहेगा, कुछ भी लेवल्स में तब्दील होगा, चेंजेस होंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम, किंग रिसर्च ना ज्वाइन करना भूलिए, क्योंकि वहीं पे मैं लेवल्स चेंज होते हैं या कुछ भी फ्रेश कॉल्स होते हैं वहां पे अपडेट करता हूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दोस चैनल्स। चलिए पहला स्टॉक सिलेक्शन सन टीवी बिलो 290, आज तो सर 15-16 स्टॉक से मेरे पास सिलेक्ट, मुश्किल से फिर मैं 8 ही स्टॉक आपके पास लेके आया, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 8 है। सन टीवी बिलो 290 ओनली पैनिक ऑन कार्ड विल स्लाइड अप टू 284-277, भाई स्टॉप लॉस नहीं दिया, दिमाग लगाओ, बार बार बोला है 150-2% का सेल नहीं लेने का,
इंडिया सीमेंट बिलो 101 शगुन नंबर है, अगर शगुन नंबर टूटा बिग रेप ऑन कार्ड आवर टारगेट 96-91। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यस नो इफ नो बट इफ नॉट क्रॉस 227 विल एक्ट एज अ हर्डल ट्रेड बिलो 213 ध्यान रखना 227 का एसएल लगा 213 के नीचे ठोको विल मेल्ट लाइक अ इट विल मेल्ट लाइक अ आइसक्रीम इन समर सीजन अप टू 187-181 अपसाइड हर्डल 227-232 अगर 227-232 का हर्डल बता रहा हूं अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे भाई उल्टी गिनती चालू जो हमारी एक स्ट्रेटजी है रेलवे ट्रैकलाइन स्ट्रेटजी वो यही है। भारतीय इंफ्राटेल की बात करूंगा इंफ्राटेल यस बिलो 155 ओनली पैनिक ऑन कार्ड कुछ याद है लास्ट पैनिक याद है कि नहीं कहां बोला था विल स्लाइड अप टू 141-147 बिलो 133 मोर रेप ऑन इंफ्राटेल कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाओ कल भी दिया था आज भी दे रहा हूं ओपन चैलेंज यस ओनली आई नो फ्रॉम वेयर डिमांड इज कमिंग। अब आप बोलोगे अच्छा आप अपने आप को समझते हो भाई लेवल्स बोलता है काम बोलता है हो सकता है मेरे एसएल हो सकता है मेरे टारगेट हो बस मेरा ये काम है काम कर बात खत्म। ओनली आई नो फ्रॉम वेयर डिमांड कमिंग वो तभी चलेंगे जब आप लोग बाई करोगे समझ में आया वो तभी चलेंगे जब आप लोग बाई करोगे देख देख कर करना जो भी करना है यस सेल एट ओपनिंग बेल माई लक्ष्मण रेखा जोन 2490-2530 मार्क माई वर्ड्स बिग वर्टिकल फॉल ऑन कार्ड सब ट्रैप होंगे कीप ईगल आई इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट टॉक इज डॉक्टर रेड्डी आई लव डॉक्टर्स कोरोना में मेरे सभी डॉक्टर्स भाइयों को सलाम नर्सेस को सलाम कंपाउंडर्स को सलाम जो वहाँ पे बॉयज होते हैं गर्ल्स होती हैं जो मतलब काम करते हैं सफाई वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं जो भी इस पूरी मुहिम से कोरोना से लड़ने के लिए जो लोग हैं उन लोगों के लिए मेरा ग्रेट सलाम है भाई। बट आई हेट डॉक्टर रेड्डी यस लक्ष्मण रेखा 36-90-37-40 सेल एंड सिट रिलैक्स फॉर 48 आवर्स सी माई मैजिक क्रैश अप टू कितना नो चिंदी टारगेट 3456-3400 सेल ओपनिंग बेल इफ यू आर लाइन हार्ट ट्रेडर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज BKT यस लक्ष्मण रेखा 836 वंस क्रॉस एंड स्टे अबव देन ओनली वी विल सी रियल तूफान एंड नोबडी विल स्टॉप दिस रियल तूफान कीप स्टॉप लॉस 810 एंड गो लॉन्ग अपसाइड क्लाउड अप टू 871-885 ठीक है। अशोक लेलैंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे भाई लास्ट ये 8 स्टॉक सिलेक्शन है अशोक लेलैंड सेल एट ओपनिंग बेल यस लक्ष्मण रेखा 47 लोअर साइड गेट विल बी 36-32 बड़ा गेट खोल रहा हूं मैं किंग रिसर्च का दिल बहुत बड़ा है ठोको तो अच्छे से बड़े टारगेट से ठोको 36-32 इन कमिंग डेज ये तो 25 आएगा या फिर 40 जाएगा। स्ट्रैटेजी बनाओगे स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तभी समझ में आएगा ठीक है। और अभी एक मैसेज मेरे ट्रोलर्स के लिए जरूर देखना भाई फ्यू पर्सन ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी और डिस्टर्ब आवर टीम फ्रॉम सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस लाइक एसएलएट हो गया कौन है ये लोग कहां से आए हो भाई क्या ये दुकान वाले जिनकी दुकान किंग रिसर्च हैरी ने बंद करने की कोशिश कर रहा है अगर कोई कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो उसका एसएल कहां से होगा मेरे भाई कहां से होगा दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। इफ यू लव माय व्यूज भाई जो लोग मेरा चाहते हैं ये एपिसोड मेरा कंटिन्यू रहे क्योंकि मेहनत लगती है ऐसे दिवस नहीं निकलती है होमवर्क करता हूं आप लोगों के लिए जिससे कि मेरा छोटे से छोटा ट्रेडर किसी टिप्स एडवाइजर के चक्कर में ना फंसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टिप्स दे सको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्ट्रैटेजीज दे सको जिससे कि वो खुद सीखे समझे अपना दिमाग लगाए फिर ट्रेड करके पैसा बनाए पैसा बना रहे दुआ में याद रखना
अपना स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप में भेजते रहना। आज भी कई सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, टाइम नहीं रह पाता इसलिए नहीं शेयर कर पाता। आज मैं भी खुद ट्रेड कर रहा था, बहुत पार्टिसिपेट, मैंने बताया ना जब मार्केट में मूवमेंट होती है तब मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। तो इफ यू लव माई व्यूज, अगर आपको रियली फायदा हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, चीज आ रही है, मेरे भाई इमीडिएट बेसिस पे अपने सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, जिससे कि ट्रोलर्स की बोलती बंद हो जाए और अच्छे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चालू करे। मैं घबराता नहीं ट्रोलर से मेरे भाई, क्योंकि जब अच्छा काम करूंगा ना लोग तो बोलेंगे, तो जब लोग बोलेंगे और आप लोग बोलोगे तब मैं असली मजा लूंगा, तब मुझे मजा आया कि हाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको फायदा हो रहा है जब वो बोलेंगे ना सर, तब मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि हाँ मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। और अप्रैल हाउसफुल है, 85 प्लस मेंबर्स क्लास के अंदर हैं अप्रैल बैच में, 85 प्लस मेंबर्स। थैंक यू फॉर योर बिग सपोर्ट, स्टिल सो मेनी स्टूडेंट्स आर रिकमेंड रिक्वेस्टिंग मी सर प्लीज जॉइन इन दिस ग्रुप, भाई पॉसिबल नहीं, 85 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। कुछ लोगों की अभी 50% पेमेंट आ गया, तो उनकी भी 50% पेमेंट आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये बेस्ट 90-100 प्लस होने वाला है। उसके लिए थैंक यू, जस्ट कोरोना था इस वजह से स्ट्रेंथ को बढ़ाया, अदरवाइज नहीं बढ़ाता था मैं भाई। अब जो भी आ रहे हैं 10th मई से हमारा ऑनलाइन ज्वाइन होगा, अगर 10% का अर्ली बर्ड ऑफर फर्स्ट 25 मेंबर्स के लिए, 20-25 मेंबर्स के लिए 10% डिस्काउंट है, प्लीज मई वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि मुझे लगता है 10-15-20 दिन के अंदर ये भी हाउसफुल हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जून के लिए, राइट। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और पावरफुल स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ साइकोलॉजी, कैसे बड़े प्लेयर्स साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं, आपको कैसे ट्रैप करते हैं और कैसे छोटे प्लेयर्स ट्रैपिंग में आते हैं और फिर आप बोलते हो मार्केट जाएगा 10,000, 11,000, 12,000 और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ, जब आप बोलते हो कि अब जाएगा निफ्टी 5,000, 4,000, वहीं से देखो 9,000 वापस। तो दिमाग लगाओ कैसे काम करता है, कैसे मैं पावर स्टॉक सिलेक्शन एक दिन पहले दे देता हूँ, 2 दिन पहले देता हूँ, नो ब्ला ब्ला, सीखना ही होगा, आज नहीं तो कल सीखना ही होगा। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ज्वाइन अस, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू भाई।